गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण का पाठ पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय बच्चों, पद परिचय पर हमारा टॉपिक है पद परिचय। पद क्या है और परिचय क्या होता है? परिचय आप जानते हैं, अपने बारे में सब कुछ बताना। आपसे कहा जाता है कि आप अपना परिचय दें, तो आप अपना नाम बताते हैं, आप कहाँ से हैं, आपके माता पिता का क्या नाम है, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, आप कहाँ रहते हैं, अपने विषय में आप सब कुछ बताते हैं। इसी तरह से अब हमें पद का परिचय देना है। तो पद होता क्या है, पहले हम जानते हैं पद क्या है, फिर हम उसके परिचय पर आएंगे। पद, जब शब्द का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में होता है, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में अंग के रूप में होता है, तब वह पद कहलाता है। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे राहुल एक शब्द है, एक नाम है, मैंने इसका प्रयोग एक वाक्य में किया। राहुल एक ईमानदार लड़का है। जब मैंने इस राहुल को इस वाक्य में प्रयोग कर लिया तो यह पद बन गया। चाहे यहाँ पे आप एक ही ले लीजिए, एक शब्द ले लीजिए, ईमानदार है, लड़का या है, कोई भी एक शब्द आप ले लें, जब इसका प्रयोग आप वाक्य में करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। तो यहाँ पे पद हुआ, जब शब्द का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में होता है तब वह पद कहलाता है। तो ये होता है पद। तो अब पद का परिचय, पद परिचय क्या है? वाक्य में पदों का व्याकरण दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। वाक्य में पदों का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब व्याकरणिक दृष्टि क्या होता है, आ जाइए इसमें। पद की स्थिति बताना, लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना कि वाक्य में पद की स्थिति क्या है, वो कौन सा पद है, उसका लिंग, वचन या कारक से क्या संबंध है, उस पद के विषय में सब कुछ बताना पद परिचय कहलाता है। पद जो है बच्चों, पद पे आ जाइए। पद कितने प्रकार के होते हैं, हमें जो परिचय देना है तो हमें पांच प्रकार उसमें से बताने कि ये जो पद है, जैसे मैंने यहाँ पे राहुल वाला एग्जाम्पल लिया, राहुल एक ईमानदार लड़का है, तो मुझे बताना है, अगर मुझसे पूछा जाए इस पद का परिचय कि राहुल क्या है, क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो एक पद है, पांच तरह का हो सकता है, ये संज्ञा भी हो सकता है, ये सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय हो सकता है। ये जो राहुल शब्द है, पांचों में से ही एक होगा। तो मैं जानती हूँ कि क्या है राहुल, क्या होता है बच्चों, संज्ञा, नाम, क्योंकि राहुल नाम है तो ये संज्ञा है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताती हूँ कि पद पांच प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों संज्ञा शब्द का परिचय देना। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि संज्ञा शब्द का परिचय किस प्रकार। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा पद का परिचय, कि संज्ञा पद का परिचय जब हम देंगे हमें किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है वो देखिए। संज्ञा पद का परिचय देते समय हमें पांच बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले संज्ञा का भेद। अब भेद पे आने से पहले बच्चों, वैसे आप जानते हैं संज्ञा क्या होता है, एक बार रिमाइंड करा दूं, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? एक नाम है। संज्ञा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लास से आप ये स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अब देखिए आपको टेंथ में भी ये पढ़ना है, तो अपनी संज्ञा को हमेशा क्लियर रखिए, आपको पता होना चाहिए संज्ञा है और कौन सी है। तो संज्ञा के भेद, सबसे पहले संज्ञा पद को आप पहचानेंगे, उसके बाद उसका भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति की बोध हो, किसी खास व्यक्ति का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे राम खाता है, उसमें राम की बात हुई, राम क्या है, संज्ञा है, सिर्फ और सिर्फ राम की बात हो रही है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध हो, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा यहाँ पे संज्ञा शब्द है, लेकिन घोड़ा तेज दौड़ता है जब मैंने बोला तो उससे पूरी घोड़े जाति का बोध हो गया, तो जितने भी घोड़े होते हैं पूरी जाति का बोध हुआ, तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिससे भाव का पता चलता है, इन शब्दों से भावों का पता चलता है, वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए संज्ञा में दूसरा जो हमें बताना है लिंग, बात किस बात का ध्यान रखना है, लिंग का, कि संज्ञा शब्द जो है जो हम पहचान रहे हैं वो पुलिंग में है, स्त्रीलिंग में है। वचन दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन, वो शब्द एक वचन में आ रहा है या बहुवचन में, आपको ये बताना है। फिर है कारक, कारक में जो देखिए कर्ता, कर्म, कर्म संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सभी आपने पढ़े हैं, एट क्लास तक पढ़े हैं। कारक बताना होता है कि उस संज्ञा पद में कारक कौन सा प्रयोग हो रहा है, वहाँ पे कारक चिन्ह का। फिर संबंध, क्रिया या अन्य शब्द से उस संज्ञा पद का क्या संबंध है, ये बताना होता है। तो ये पांच बातों का हमें ध्यान रखना है। अब मुझे लगता है कि मुझे आपको कारक
वाइस आ रहे चाहिए। तो मैं आपको उन कारकों के चिन्ह बताती हूँ। पहले हम कारक चिन्ह एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे संज्ञा शब्द का परिचय पढ़ेंगे। तो कारक क्या होते हैं? कारक होते हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं उनका क्रिया के साथ क्या संबंध होता है, वो कारक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कारक कितने होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ प्रकार के कारक हैं। इनके चिन्ह होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है ये पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम संज्ञा में आएंगे, तब हम संज्ञा पद का पूरी तरह से परिचय जानेंगे। कर्ता, पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? काम करने वाला। इसका अर्थ होता है काम करने वाला। इसका चिन्ह होता है ने। जहाँ पे कर्ता होगा वहाँ पे ने चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे राम ने खाना खाया, ने आ गया यहाँ पे। काम किसने किया? राम ने। तो राम यहाँ पे करता है, काम करने वाला कर्ता। दूसरा देखिए कारक चिन्ह कर्म। इसका अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। यहाँ पे मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया, राम ने खाना खाया, राम हुआ मेरा कर्ता क्योंकि उसने काम को किया। प्रभाव किस पर पड़ा? खाने पर, खाना खाया। तो ये हो गया जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसका चिन्ह होता है को। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया खाना खाया, लेकिन यहाँ पे को का प्रयोग नहीं है, परंतु यहाँ पर को छिपा हुआ है। राम ने खाना खाया, खाने को खाया, जो उसने क्रिया की खाने की, जो राम ने जो क्रिया की उसका प्रभाव किस पर पड़ा? कर्म पर, यानी कि ये खाने पर। तो ये हो गया आपका कर्म और ये होता है इसका चिन्ह को। तीसरा उदाहरण देखिए कर्म कारक से साधन, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। वो साधन जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। जैसे मैंने कलम से लिखा, मैंने कलम से लिखा, मैंने लिखा किससे? कलम से। तो यहाँ पे साधन मेरा कौन सा है? कलम है। तो से यहाँ पे साधन के रूप में आया। संप्रदान कारक को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। माँ ने बच्चे के लिए भोजन बनाया, बच्चे के लिए भोजन। देखिए के लिए का प्रयोग हुआ है, क्रिया किसके लिए हो रही है? बच्चे के लिए हो रही है। ये संप्रदान कारक हो गया। अपदान से जिससे अलगाव, देखिए यहाँ पे भी से है, यहाँ पर भी से है। कर्म कारक में भी से है, अपदान कारक में भी से है, लेकिन ये वाला से है अलग होने के भाव में। अलगाव का भाव, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, से आया पेड़ के साथ, वहां पे क्या हुआ? पत्ता जो है पेड़ से अलग हो गया, तो ये अलगाव का भाव हो गया। मुझे सांप से भय लगता है, भय, भय भी तो होता हूँ मैं किससे? सांप से। तो वो अलग होना, सांप को देखकर मुझे भय उत्पन्न हुआ, वो अलग होगा। संबंध कारक का के की इसके ये होते हैं चिन्ह। इसका अन्य पदों से संबंध, जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, के दशरथ के, यहाँ पे किसका संबंध? राम और दशरथ के मध्य संबंध आया, के का प्रयोग हुआ। का के की अन्य पदों से यानी दशरथ से संबंध बताया है। अधिकरण मेज पर, क्रिया का आधार, क्रिया का आधार क्या है कि पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, क्रिया का आधार क्या है? मेज है, मेज पर, तो मेज के साथ पर का प्रयोग हुआ। संबोधन के, अरे किसी को पुकारना, के भगवान, ये क्या हो गया यहाँ पे संबोधित। तो ये होते हैं बच्चों कारक चिन्ह, इन्हें अच्छे से समझने की, जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आप क्रिया के पद को, क्रिया पद को क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्रिया पद में जो पांच बातों का ध्यान रखना होता है उसमें एक कारक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझेंगे हम। यह हमें समझ आया, मैंने आपको बता दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम संज्ञा पद का परिचय जानते हैं। संज्ञा पद के परिचय में मुख्य बातें मैंने आपको बता दी, क्या क्या हमें ध्यान देनी होती है। तो आइए उदाहरण करते हैं इसका। लक्ष्मी पत्र लिखती है, मैंने एक वाक्य लिखा लक्ष्मी पत्र लिखती है। इसमें देख लीजिए पद अंडरलाइन है, लक्ष्मी अंडरलाइन है, यानी कि आपको लक्ष्मी पद का परिचय देना है। यहाँ पे पद है आपका लक्ष्मी, इस वाले पद का आपको पूरा परिचय देना है। इसमें आपको क्या ध्यान करना है? भेद, लिंग, वचन, कारक के साथ इसका संबंध, ये सारी बातें आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी पद का परिचय देखते हैं। लक्ष्मी क्या है बच्चों? लक्ष्मी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लक्ष्मी की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शब्द क्या है? ये लिंग, स्त्रीलिंग है, एकवचन है और कर्ता कारक है। क्योंकि लक्ष्मी क्या है? यहाँ पे काम कर रही है, मैंने बताया था कर्ता काम करने वाला। तो लक्ष्मी का कहीं पत्र लिख रही है, तो कर्ता कारक हो गया, लिखती है क्रिया का कर्ता। क्रिया पहुंची थी, इसमें लिखने की क्रिया की है, तो कर्ता कारक वाला जो मैंने आपको बताया था, इसका जो संबंध आता है, संबंध जो बताना होता है किससे संबंध है, तो लिखती है क्रिया से संबंध है इसका। तो लिखती है क्रिया में पहुंच रही है, कर्ता है, ठीक है। दूसरा कारण लिख लिया, तो इसी वाक्य में दूसरा पद मैंने ले लिया पत्र। इसी वाक्य में एक उदाहरण आगे हमारा एक एग्जाम्पल समझते हैं। पत्र, पत्र पद का परिचय देना है। पत्र का देखिए, पत्र क्या है हमारा? जातिवाचक पत्र, पत्र जो है, पत्र जो है जातिवाचक संज्ञा है। पुलिंग है, पत्र लिखता हूँ,
पत्र पढ़ लिया, पत्र उड़ गया, पत्र फट गया, तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द होता है। एक वचन है, एक पत्र की बात हो रही है, कर्म भाग। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कर्म क्या होता है, जो क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है। क्रिया कौन सी? यहाँ पे लिखने की क्रिया हुई, जिस पर प्रभाव पड़ा पत्र पर। पत्र को हो गया कर्म कारक। आगे देखिए लिखती है क्रिया का कर्म। क्रिया हमारे वही है, क्रिया से अन्य पदों का संबंध बताया, अन्य पदों से संबंध बताते हैं इसमें हम, तो लिखती है क्रिया का कर्म। ये बच्चों वही हुए जैसे मैंने आपको संज्ञा की बातें बताई, क्या क्या ध्यान देना होता है, क्या क्या बताना होता है, बिल्कुल वही मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया। एक उदाहरण हम और देखते हैं। हमने देखिए व्यक्तिवाचक का उदाहरण भी ले लिया, जातिवाचक का भी लिया, हम भाववाचक का भी उदाहरण पढ़ते हैं। उसकी बेईमानी पकड़ी गई। अब यहाँ पर बेईमानी शब्द को अंडरलाइन किया गया, यानी कि बेईमानी पद का आपको परिचय देना है। तो बेईमानी शब्द क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हो गई। बेईमानी पद स्त्रीलिंग है। एक वचन है, उसके पद के साथ संबंध है इसका। किसका संबंध है? उसके पद से। बेईमानी किसकी पकड़ी गई? उसकी। तो इसका संबंध कारक हो गया यहाँ पे, तो उसके पद से संबंध है। ये होता है संज्ञा। संज्ञा पद का परिचय देने में हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद है बच्चों सर्वनाम पद का परिचय, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी।